अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की डेली अपडेट्स ये हैं कि स्टॉक मार्केट तकरीबन 490 पॉइंट जो है वो क्लोज हुई है। 63,305 का वॉल्यूम है। मार्केट अब जो है वो तकरीबन 916 पॉइंट तक गई थी। द मेजर रीजन बिहाइंड इज दैट के बैंकिंग सेक्टर और ईएनपी में बाइंग नजर आई है। रिजल्ट सीजन था, पॉलिटिकल क्लियरिटी है। दूसरा, मार्केट में जो वॉल्यूम दिए हैं वो है केईएल, केएसओएम एंड डब्ल्यूटीएल ने। बाकी जो चैलेंजेस हैं वो आईएमएफ की आने वाली जो मीटिंग है 12 मार्च को, दैट विल बी अ टाइप ब्रेकर और एक मार्केट डायनामिक्स को वो बदल सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें से जो है वो न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट सेज आईएमएफ कंडीशन 1 बिलियन ट्रेंच मेट, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। ऑटो फाइनेंसिंग डिप्स डिस्पाइट सर्जिंग सेल्स इन जनवरी, उसका भी न्यूट्रल इंपैक्ट है। साजगार ने अपनी नई गाड़ी ORA 3 EV इन पाकिस्तान लॉन्च की है, उसका भी एक न्यूट्रल इंपैक्ट है। इक्विटी सीबिल्स अट्रैक्ट 98 मिलियन इन जनवरी, उसका भी न्यूट्रल इंपैक्ट है। CCP अप्रूव 3 KCA बेस मर्जर विद स्टेक्स इन पाकिस्तान स्टील सेक्टर, उसका भी एक न्यूट्रल इंपैक्ट है। एंड SBP इज रूल्स फॉर एक्सपोर्टर टू यूज फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। बाकी पाकिस्तान जो है वो 8 बिलियन की जो है वो ट्रेंच देख रही है आईएमएफ के थ्रू, जिसके अंदर 7.5 to 8 मिलियन होगा, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस एंड अलोंग विद एक्सटेंडेड फंडेड फैसिलिटी के भी जो है वो पैसे शामिल होंगे। दूसरा, इंडिया के अकॉर्डिंगली जो है वो शाहपुर कांडी बराज बनाया गया है, जो कि बॉर्डर लगता है पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर से। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ये कहा जा रहा है कि वो जो है वो बेनिफिट करेगा फ्रॉम 1150 गेजेस ऑफ वाटर दैट वॉज प्रीवियसली एलोकेटेड टू पाकिस्तान, यानी अब पाकिस्तान का वो पानी जो है जम्मू एंड कश्मीर को एलोकेटेड होगा, तो पाकिस्तान के लिए इरीगेशन के एक इशूज वापस आ सकते हैं। बाकी ये जो नंबर्स हैं, यह हैं ऑयल टोटल ऑयल प्रोडक्शन, बेसिकली ऑयल प्रोडक्शन अगर मैं कहूँ वीक एंड वीन पे तो 1.3% से जो है वो इंक्रीज हुई है। उसके बाद टोटल गैस प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो वो मेंटेन स्टेबल रही है, तकरीबन 3227 MMFCD जो है वो वीक ऑन वीक का जो है वो स्टेबलाइज रहा है। अगर मैं ट्विटर की अपडेट्स में से बात करूं तो ये कहा गया है कि शमशाद अक्षर को जो है वो शायद प्राइम मिनिस्टर बोली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बने रिहा देने जाएगा ताकि जो है वो IMF के साथ बातचीत हो, नेगोशिएशन हो सके। दूसरा, टेक इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशनली ये हुआ है कि इंटरनेट शटडाउन होने की वजह से सऊदी के कुछ जो है वो प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी नहीं हो पाई, एंड दैट्स द रीज़न सऊदी की जो मैनेजमेंट है उसने ये डिसीजन लिया है कि वो टेक प्रोजेक्ट्स को अब वो आउटसोर्स नहीं करेगी पाकिस्तान में। दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव न्यूज़ फॉर टेक इंडस्ट्री। फाइनेंशियल टाइम के अकॉर्डिंगली जो है वो ये इंटरेस्ट पेमेंट अब गवर्नमेंट की जो है पाकिस्तान की वो तकरीबन इतनी परसेंट से 57% से जो है वो इंक्रीज़ है, और इन कंपैरिजन टू डिफरेंट नेशन से किया जा रहा है। एंड पाकिस्तान का जो GDP है वो 2023 के अंदर भी जो है वो फॉल है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी देखें तो आज मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग नज़र आई है हमें, लोकल इन्वेस्टमेंट्स में, बैंक्स में नज़र आई है और अदर सेक्टर्स में नज़र आई है। और अगर मैं बात करूं सेलिंग नज़र आई है सबसे ज़्यादा तो हमें जो है वो ओजी ऑयल एंड गैस कंपनीज के अंदर नज़र आई है। अगर मैं फॉरेन की बात करूँ तो फॉरेन की सबसे ज़्यादा बाइंग हमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में नज़र आई है। और सबसे ज़्यादा अगर हम मैं बात करूँ कि कहाँ पे जो ड्रॉबैक आया है तो वो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एक हमें मेजर सा देखा जा रहा है। और अगर लोकल इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो इनकी बाइंग एंड सेल जो है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप पॉज करके देख सकते हैं। मजीद स्टॉक बाय वॉल्यूम की बात करूँ तो KEL, KOSM, WTL, PRL, सिनर्जी, एयरलिंग, OGDC, यूनिटी, PPL, PIP, IBTL ने जो है वो वॉल्यूम कंट्रीब्यूट किया मार्केट के अंदर। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू टुमारो।